दोस्त क्या पैसे इनके, एक एक के बता दो, इसके बता दो मुझे। अच्छा भाई ये वाली मैं स्टार्टिंग में दिखा दूँ, ये वाली पहले बैठ के, ये वाली माशाल्लाह से भाई पहले झोल की है। और दांतों में क्या है, ये दांतों में चार है, और क्या डिमांड है इसकी? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केटल स्टूडियो। तो दोस्तों आज वीडियो को यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाकी भाई भी मैं ये एक माशाल्लाह से भाई बड़ा बकरा खुल चुका है, जो कि गाड़ी में लोड करवा रहे थे लेकिन भाई खुल चुका है और इसको पकड़ लिया गया। खैर मैं मैनकोट की मंडी हूँ माशाल्लाह से मैं, तो इंशाल्लाह देखते हैं यहाँ पर और कोई नई चीज़ आई है तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो कवर करते हैं। मुझे कट्टू की तरफ माशाल्लाह से एक खूबसूरत दो माशाल्लाह से बच्चे हैं, जो एक मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था प्रिंट के हिसाब से, लेकिन कमज़ोर थोड़ा बच्चे माशाल्लाह से, लेकिन नस्ल के हिसाब से माशाल्लाह से अच्छे हैं। तो ये बच्चे माशाल्लाह से, दो बच्चे माशाल्लाह से, नस्ल आप देख सकते हैं गुलाबी में माशाल्लाह से कपले में आ रहे हैं, और माशाल्लाह से भाई ये वाला मुझे पर्सनली पसंद आया है माशाल्लाह से, ये वाला बच्चा। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या पैसे इनके, एक एक के बता दो, इसके बता दो मुझे। हाँ 35 35 भाई, 35 35 हज़ार रुपये बच्चे के माशाल्लाह से ये हैं, कमी पेशी हो जाएगी इसमें। और माशाल्लाह से भाई ये आला है अच्छा, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर है। खिलाई पिलाई नहीं करी थी क्या इसकी, कमज़ोर इतना क्यों है ये? अच्छा अभी अभी उतरे हैं भाई, अभी अभी गाड़ी से उतरे हैं, लेकिन भाई पर्सनली मुझे ये प्रिंट बहुत पसंद आया मुझे, क्योंकि इस तरीके की प्रिंट मुझे बहुत पसंद है। कहाँ से आयो? रशीदाबाद से आए ना बकरे, अभी अभी गाड़ी से। अच्छा अभी अभी गाड़ी से उतरे हैं, तो मुझे बताओ उसकी धूम इतनी टेढ़ी क्यों हो रही है? हाँ ऐसे ही रहती है माशाल्लाह से भाई बकरा, आप ये देख लें बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत बच्चा है आला, और अल्लाह पाक इसको भाई नजरे बस से बचाए माशाल्लाह से भाई। गल्ला आप चेक कर सकते हैं इसकी माशाल्लाह से, गल्ली नकोड़ा आप इसका चेक कर सकते हैं। एक ये बच्चा, एक माशाल्लाह से ये वाला बच्चा, लेकिन पर्सनली भाई मुझे ये वाला बच्चा पसंद आया। बाकी कितने कितने महीने के अंदाजन, कितने? 3.5 3 महीने के भाई बच्चे बता रहे हैं भाई, दोनों नर है माशाल्लाह से। तो फ़ोन नंबर है अपना 0345 3834615। नाम? अली भाई। अली भाई, भाई का नाम है भाई माशाल्लाह से भाई ये वाला बच्चा मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है, लेकिन भाई थोड़ा सा कमज़ोर है, इस वजह से भाई इसमें सौदा करने का दिल नहीं चाह रहा। बाकी भाई थोड़ा सा जान पकड़ रहा हुआ होता तो माशाल्लाह से भाई इसकी मैं पर्सनली बात करता हूँ कि भाई ये वाला ऐसे प्रिंट मुझे पर्सनली काफ़ी टाइम के बाद नज़र आया ये वाला, कि पिछले साल मुझे ऐसा प्रिंट नज़र आया था तो इंशाल्लाह मैंने वो पाला भी था माशाल्लाह से कुर्बानी के लिए, तो खैर वो दिखा नहीं सकता था इस वजह से मैंने दिखाया नहीं, लेकिन भाई ये वाला माशाल्लाह से अच्छा है। बाकी भाई ये दुम्बे माशाल्लाह से बड़े दुम्बे हैं, और पार्टीज़ वगैरह के लिए, बारबेक्यू के लिए आप भाई इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो भाई हर जगह सज्जी और ये टिक्का पार्टी इस तरीके चल रही होती है बारबेक्यू, तो इंशाल्लाह भाई इसके अपडेट लेते हैं भाई। बाकी भाई ये वाले दुम्बे माशाल्लाह से, नस्ल में क्या है ये वाले? लाड़काना नस्ल में है। तो और कितने महीने के ये? दांतों में होगा ये वाले? अच्छा भाई खीरा है भी, तकरीबन मेरे हिसाब से 6 से 7 महीने का होगा, छोटा है? अच्छा भाई तकरीबन 5 महीने का भाई बता रहा है ये। और वजन में अंदाजन क्या होगा ये? 20 किलो भाई, वजन में तकरीबन होगा ये 20 किलो। अच्छा भाई 20 35, आप लोग आगे ख़ुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी बाकी भाई से मैंने कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया है। बाकी इसके अलावा ये भी माल है अपना, ये भी माशाल्लाह से हैं। और नस्ल में क्या है ये वाले? ये लाड़काना के? हाँ वही मैंने कहा, ये मुंदरे हैं माशाल्लाह से। और ये कितने कितने महीने के? ये 3.5 3 महीने के भाई बच्चे बता रहे हैं, लेकिन भाई ये बड़े हैं, 3.5 3 महीने के नहीं है, तकरीबन 4 4.5 महीने के बच्चे हैं ये। और क्या डिमांड है इनके? हाँ 35 35। अच्छा भाई इसके भी 35 35 हज़ार रुपये हैं वजन में अंदाजन, भाई ये मेरे हिसाब से 10 से 12 किलो के होंगे, इससे ऊपर के नहीं है। ठीक है बाकी बस यही माल है, आगे और भी वाला? वो भी है। अच्छा वो भी है, तो मुझे इनके भी बता दो, छोटे वाले के। हाँ छोटे वाले के 22। और नस्ल में क्या ये वाला, खजूरी? अच्छा भाई ये भी भाई मुंद्रा बता रहा है नस्ल में, और तकरीबन ये होगा मेरे हिसाब से तकरीबन
दो महीने तक के होंगे बस, ये डेढ़ से दो महीने के होंगे ये। तो क्या डिमांड है इसकी? हाँ, बाईस। और इसके? इसके 25। ये तकरीबन तीन साढ़े तीन महीने के होंगे। अच्छा, ये वाली भी माशाल्लाह से भाई, ये वाली भी भाई, जिसमें से दो बकरी एक बकरा माशाल्लाह से भाई। ये बकरा है, ये वाला बकरा है ना, दांतों में भी? अच्छा भाई, दांतों में दो है, 35,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे। वजन में अंदाजन क्या होगा वाला? वजन में 12-13 किलो बता रहे भाई, वैसे ज़्यादा बता रहे हो तुम। वजन का अंदाजा आप लोग खुद आके यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इस बकरी के मुझे बताओ, बकरी के क्या? हाँ, पैसे क्या इसके? पैसे 45। दांतों में क्या ये? दांतों में दो है। और उस वाले लाल वाले के? 19। और वो भी लगी हुई है? अच्छा, खाली है वो। दांतों में क्या है? हाँ दोस्त, दांतों में क्या है? अच्छा, दांतों में दो है इसके। बाकी 19,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। बाकी कॉन्टेक्ट नंबर भाई ने अपना शेयर कर दिया था, तो बाकी मैं आगे की साइड निकलता हूँ। बाकी इस तरफ मैं कट्टू की साइड पे आया हुआ था, लेकिन अब आगे दोबारा पालने वाले साइड पे निकलता हूँ भाई। यहाँ पे माशाल्लाह से अब्दुल करीम भाई के पास तकरीबन 6 माल है, और सारी माशाल्लाह से बकरियाँ हैं, लगी हुई है सारी माशाल्लाह से भाई, सारी लगी हुई हैं। और अच्छा भाई, ये वाली मैं स्टार्टिंग में दिखाता हूँ, याली पहले बैठ के, याली माशाल्लाह से भाई पहले झोल की है। और दांतों में क्या है? दांतों में 4 है। और क्या डिमांड है इसकी? हाँ, इसका 50,000 रुपये भाई डिमांड कर रहे हैं। दांतों में 4 है माशाल्लाह से, पहला झोल है इसका। नस्ल में क्या ये? पटेरी और गुलाबी क्रॉस में माशाल्लाह से भाई ये। और वो आगे वाली, ये वाली, इसके 55। दांतों में क्या ये? दांतों में 6 है। और इसका दूसरा झोल है, ये कितने महीने की लगी हुई है? 3 महीने की लगी हुई है। ये वाली? अच्छा, ज़्यादा की है तकरीबन भाई, ये 3.5 महीने की होगी। ये 3 महीने की है। ये वाली मुझे बता देना। अच्छा भाई, इसका दूसरा झोल है माशाल्लाह से, दांतों में क्या है ये? अच्छा, दांतों में 4 है माशाल्लाह से। सिंह आप देख लें माशाल्लाह, जलेबी की तरह मुड़े हुए हैं इसके सिंह। और ये खूबसूरती होती है माशाल्लाह से, ब्यूटीज जो क्या नाम है, एक शौकीन नोट करता है। तो इसकी क्या डिमांड है? 50। इसकी दांतों में 4। और इसकी कल कितने महीने की लगी है ये? अच्छा भाई, ये वाली माशाल्लाह से भाई 3 महीने की लगी हुई है। इस वाले का बता दो मुझे। हाँ, इसका 60। दांतों में क्या है ये? दांतों में 6 हो रही है। और ये वाली कितने महीने की लगी हुई है? ये 2.5 से ऊपर है। अच्छा भाई, ये 2.5 से ऊपर है, तकरीबन 2.5-3 महीने की लगी हुई है ये वाली। तो दूध वाली की बकरी नहीं अपने पास आज? तो भाई दूध वाली बकरी नहीं है, सामने जो देसी बकरी खड़ी है उसको मुझे बता दो। उसके? हाँ, उसका 50, मगर फाइनल 47 हो। अच्छा भाई, 50,000 रुपये इसकी डिमांड हो रही है, फाइनल 47,000 रुपये हो जाएंगे। ये कितने महीने की लगी हुई है? कौन सी? ये वाली सामने वाली। हाँ, वो 3 महीने। अच्छा भाई, ये वाली 3 महीने की लगी हुई है माशाल्लाह से। पहला झोल है इसका, दूसरा? दूसरे। अच्छा भाई, इसका भी माशाल्लाह से दूसरा झोल है। एक ये वाली। अच्छा भाई, इसका भी दूसरा झोल है माशाल्लाह से, पटेरी में ये वाली। तो दांतों में क्या है ये? 4 है। दांतों में 4 है। और कितने महीने की लगी हुई वाली? कितने? 3। अच्छा भाई, 3 महीने की लगी हुई वाली माशाल्लाह से। और माशाल्लाह से दांतों में ये 6 है ना? अच्छा, दांतों में 4 है ये। बाकी भाई 6 माशाल्लाह से बकरियाँ थी करीम भाई के पास, जो मैंने आपको दिखा दी है। बाकी फ़ोन नंबर है? फ़ोन नंबर वही है भाई, फ़ोन नंबर तुम याद तो रखा करो। फ़ोन नंबर भाई भाई को याद नहीं है। बाकी करीम भाई, करीम भाई आप किसी से भी पूछ लें, करीम भाई कहाँ होते हैं, इंशाल्लाह वो आपको पहुँचा देगा। बाकी भाई ये उनका बेटा है, इसको आप देख लें तो आप इसके पास आ सकते हैं और रेट उनके पास ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है कादिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से एक पट्टे ही है या लगी हुई? नहीं, बकरी है। अच्छा भाई, माशाल्लाह से बकरी है। दांतों में क्या है ये? दांतों में 6 है। और लगी हुई है अभी कितने महीने की? लगी भी नहीं है। अच्छा, लगी हुई नहीं, खाली बकरी है माशाल्लाह से भाई ये। तो दूध वाली है? नहीं, बिल्कुल खाली है। अच्छा भाई, खाली बकरी है माशाल्लाह से भाई, ये लगाने के लिए है माशाल्लाह से। तो दांतों में 4 बताइए आपने, दांतों में 6 है। तो क्या डिमांड है इसकी? 26,000 रुपये भाई माशाल्लाह से। बकरी आपको दिखाता हूँ, पूरी लाल बकरी है माशाल्लाह से ये। बाकी एक सामने माशाल्लाह से बकरा एक है, लेकिन पता नहीं किसका है, व्यापारी मुझे यहाँ का नज़र नहीं आ रहा माशाल्लाह से भाई। अच्छा बकरा है, बड़ा बकरा है, और है किसका ये खैर मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई इसका खड़ा हुआ नहीं है इसके साथ का। बाकी बकरा मैं आपको दिखा देता हूँ माशाल्लाह से भाई, ये वाला बकरा है। कि दोस्तों, यहाँ पे एक माशाल्लाह से भाई मुंडी बकरी आई हुई है,
तो इंशाल्लाह भाई इसकी अपडेट लेते हैं क्या अपडेट है। और माशाल्लाह से भाई अच्छी हाइट वाली बकरी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, लगी हुई है या अभी खाली है या बच्चे के साथ है? ये खाली है। अच्छा खाली बकरी है माशाल्लाह से। आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, हाइट आप इसकी चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से बकरी की। और माशाल्लाह से भाई क्रॉस में माशाल्लाह से बकरी है। दांतों में क्या है ये? दांतों में 8 दांत। दांतों में 8 है। और डिमांड क्या कर रहे हैं आप इसकी? डिमांड इसकी कर रहे हैं बिल्कुल फाइनल 33,000। फाइनल बिल्कुल इसको हो जाएंगे भाई 33,000 रुपये बिल्कुल फाइनल जो है। दांतों में 8 है माशाल्लाह से। आप इसको दोबारा लगा भी सकते हैं। और अगर वजन के हिसाब से कोई पूछे तो वजन इसका कितना होगा? वजन तकरीबन मीट वेट इसका होगा 35 kg। अच्छा भाई मीट वेट इसका होगा तकरीबन 35 kg माशाल्लाह से मीट वेट जो है। तो इसके फाइनल आपने मुझे 33 बताएं, इससे कमी पेशी नहीं होगी भाई? इसको अगर आप गोश्त के हिसाब से ही बेचेंगे ना तो 2,000 रुपये किलो गोश्त बिक रहा है, उस हिसाब से आप हिसाब लगा लें 70,000 रुपये की बकरी है। अच्छा नहीं 2,000 रुपये किलो तो खैर कसाई भी नहीं बेच रहा। 1,500 से लगा लें। अच्छा ठीक हो गया, 1,000 रुपये से लगा लें तब भी मैं आपको। अच्छा अच्छा नहीं ठीक हो गया। बाकी फ़ोन नंबर बता दिएगा अपना? फ़ोन नंबर 0312-0312-12-12-80-6455। नाम? नाम है मेरा यासीन। यासीन भाई का नाम है। बाकी व्हाट्सएप पर है भी और माल होते हैं। अच्छा हम लेकर आए थे काफी सारे बच्चे भी, सारे हमने भी बेच दिए। अच्छा ये सारे बच्चे आपने माशाल्लाह से बेच दिए? सारे बेच दिए भाई, ये एक बकरी बची है बाकी फार्म पे है। अच्छा फार्म आपका किस नाम से? मेमन गोट पे, चिश्तिया के नाम। चिश्तिया के नाम से है मेमन गोट पे। किधर है आपका फार्म? मेमन गोट पे ये C9 पे स्टॉप है ना। जी जी जी, बस उससे फाटक क्रॉस करेंगे लेफ्ट पे टर्न होंगे, पहला वाड़ा ही हमारा। अच्छा बाकी भाई ने अपना फार्म का नाम बता दिया माशाल्लाह। खाली आपके पास बकरे होते हैं बड़े जानवर या बड़े जानवर भी होते हैं? बड़े जानवर हम बुध वाले दिन भैंस कॉलोनी, मंगल वाले दिन मलिर। अच्छा भाई बड़े जानवर जो होते हैं माशाल्लाह से भाई के पास भाई वो भैंस कॉलोनी और मलिर मंडी भी लेके जाते हैं माशाल्लाह से। बाकी आप लोग इनके फार्म पे अगर कोई आना चाहे आपके डायरेक्ट? बिल्कुल आ सकता है। तो कोई टाइमिंग से फार्म की? टाइमिंग आज है शाम में 5 बजे के बाद जब। अच्छा शाम में 5 बजे के बाद कब तक? रात रात 11-12 बजे तक। अच्छा रात 11 से 12 बजे तक भाई होंगे शाम 5 बजे के बाद से। बाकी भाई का फार्म का नाम है चिश्तिया फार्म माशाल्लाह से। भाई ने अपनी लोकेशन भी गाइड कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो का मैं थर्ड पार्ट एंड करता हूँ। आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और चैनल को आपने अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।